ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह और आपके राशि के स्वामी बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 26 अगस्त 2021 दिन गुरुवार सुबह 11:10 पर बुधदेव सिंह राशि से निकलकर आपकी राशि यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 22 सितंबर 2021 तक गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका कन्या राशि यानी आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि बुध देव का क्या प्रभाव ज्योतिष में होता है। तो बुध को जिस प्रकार सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार बुध को राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। नवग्रहों में बुध को शुभ ग्रह माना जाता है। बुध को वाणी, व्यापार, चेतना, बुद्धि, व्यक्तित्व, मामा मामी का, साथ में बुध को गणित का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपण बुध प्रभावी होते हैं। जन्म कुंडली पर बुध की स्थिति सही होने पर व्यक्ति के अंदर बोलने की विशेष कला देखने के लिए मिलती है। अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा लोगों का मन मोह लेने वाला जातक होता है, लोगों को हंसाने वाला जातक होता है। संवाद शैली बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलती है। गणित जैसे विषयों को समझने में आसानी होती है। बुध की कृपा जिस भी व्यक्ति के अंदर होती है, वह जातक एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा पत्रकार हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है। बुध का यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित प्रभाव होता है, तो सबसे पहले जातक के अंदर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त ना कर पाने की क्षमता होती है, यानी विचारों को सही से जातक व्यक्त नहीं कर सकता, बोलने में समस्या होती है, जिसको तोतलापन बोलते हैं। नसों में पीड़ा, अत्यधिक पसीना आना, चर्म रोग, सफ़ेद दाग, त्वचा रोग देखने के लिए मिलता है। इसको बुधदेव से जुड़ा उपाय करके दूर भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं और आपके राशि के लगन में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध आपकी लगन और दशम के स्वामी माने जाते हैं। राशि के लगन भाव में बुध के साथ शुक्र और मंगल की युति भी इस समयावधि में बनने वाली है। तो सबसे पहले वाणी में गजब का, व्यक्तित्व में गजब का कन्या राशि वाले जातकों को आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में आप अपने व्यवहार के द्वारा, आप अपने वाणी के द्वारा कई प्रकार के कार्यों को निपटा सकते हैं। जोखिम भरे कार्यों को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी कार्य क्षमता, आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी। बुध के इस परिवर्तन के फलस्वरूप कन्या राशि वाले जातकों के वाणी में आवेग भी रह सकता है, तो यहाँ पर क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और बुध के प्रभाव से यह स्थितियाँ देखने के लिए मिल सकती है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो टीचर हैं, राइटर हैं, पत्रकार बंधु हैं, कोरियर सर्विस में जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं, सीए हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। यानी वाणी से जुड़ा हुआ जितना भी क्षेत्र है, एंकर हैं, कथावाचक हैं, आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सम्मान और सफलता दोनों अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। और कन्या राशि के ऐसे जातक जो इस क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छी संभावनाएँ देखने के लिए मिल सकती है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उसमें आप सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं।
कन्या राशि वाले जातकों के इस समयावधि में नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। कई प्रकार की कल्याणकारी योजना आप बना सकते हैं, जिस पर यदि आप चलने का प्रयास करेंगे तो बेहतर सफलता देखने के लिए मिल सकती है। बुध के इस परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे जातक जो व्यापार में संलग्न हैं, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। लग्न में मौजूद बुधदेव सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, तो बुध ऑलरेडी मार्केटिंग और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यदि आप पार्टनरशिप में किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में संबंध काफी बेहतर और अनुकूल बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये तो रहा कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर बुध के परिवर्तन का प्रभाव। अब जन्म कुंडली पर बुध यदि पीड़ित हो तो कन्या राशि वाले जातकों कुछ खास उपाय जरूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अभिमंत्रित कराने के उपरांत। बुध के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन सूर्योदय के समय हरी चीजों का दान कर सकते हैं, जिसमें हरी मूंग, हरे वस्त्र, पालक, पौधों का दान, साथ में छोटे बच्चों को खिलौनों का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, यानी बुधदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। आप ऑलरेडी कन्या राशि के जातक हैं तो अधिकतर हरी चीज़ों का प्रयोग करें, हरे वस्त्र धारण करें तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।